वहीं सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाने को कहा है। अदालतें सभी के लिए खुली है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। हाईकोर्ट संवैधानिक अदालत है, यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देंगे तो हमें सभी को देनी होगी। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जहां याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, हाईकोर्ट जाने को कहा है। हेमंत सोरेन को ईडी की कार्यवाही और गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी हेमंत सोरेन ने, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है, उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट संवैधानिक अदालत है, यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देंगे तो हमें सभी को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार उसे इंटरटेन करने से इनकार करते हुए कहा हम हर व्यक्ति की याचिका को सीधे नहीं सुन सकते। और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह भी कहा कि जब आपने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ली तो फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं। तो हमें लगता है हेमंत सोरेन को आज बहुत बड़ा ये झटका लगा है, और हम तो पहले से कह रहे थे कि वो कानून का सामना करे, गुनाहों को कबूल करे, कोर्ट कोर्ट खेलना बंद करे, एक साथ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों में याचिका दाखिल करके पता नहीं हेमंत सोरेन क्या पाना चाह रहे थे। बहरहाल इस फैसले ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।